या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सोलापुर शहर के जिलाधिकारी कार्यालय पास मौजूद हैं, जिसे लोग ZP के भी नाम से जानते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी चार कदम दूरी पर जिले के आला अफसर डॉक्टर मिलिंद शंभरकर का कार्यालय है, दफ्तर है, जिसे जिले का आला अफसर कहा जाता है, जिसे जिले का जिला अधिकारी कहा जाता है। स्कूलों में हम सुनते थे कि जिलाधिकारी को शहर का राजा भी कहा जाता है। उसी चार कदम दूरी पर अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ CP मैडम का जो है कार्यालय है, दफ्तर है, ऑफिस है, और उसी के पास ये गंदगी देखिए। ये गंदगी किस तरह की गंदगी का यहाँ पर साम्राज्य यहाँ पर निर्माण हुआ है। शहर के जिलाधिकारी कार्यालय के आला अफसर वरिष्ठ अधिकारी इस परिसर से गुजरते हैं। देखिए ये गंदगी किस तरह से यहाँ पर फैली हुई है। सोलापुर शहर हो, सोलापुर शहर का ग्रामीण भाग हो, हजारों लोग यहाँ पर अपने कामकाज के लिए आते हैं। ये यही नहीं बल्कि पूरे जिलाधिकारी जितना भी यहाँ का एरिया है उसका हमने सर्वे किया, हमने उसकी रिपोर्ट में उसका जायजा लिया, तो हर जगह ऐसी ही गंदगी यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी जगह हम आपको ले चलते हैं और यहाँ का हाल आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। गंदगी का साम्राज्य इसको कहा जा सकता है। यहाँ से जिलाधिकारी यहाँ से ही प्रवेश करते हैं, यहाँ से ही एंट्री करते हैं, उनके आने का यही रास्ता है। और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर जिलाधिकारी साहब का घर भी है, उनका मकान भी है, लेकिन उनको ये कचरा दिखता क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर निर्माण हुआ है। महापालिका शहर की क्या कर रहा है, कारपोरेशन इस पर क्यों दुर्लक्ष कर रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर जिलाधिकारी दफ्तर के परिसर में ही ऐसी गंदगी होगी तो हमारे शहर की गंदगी का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से महापालिका हो या जिला प्रशासन हो या महापालिका प्रशासन हो, किस तरह से इस गंदगी को लेकर दुर्लक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। नागरिकों में ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि महापालिका की ओर से जो घंटा गाड़ी फिरती है, जो कचरा उठाने वाली, जो गंदगी उठाने वाली गाड़ी फिरती है, वो यहाँ पर क्यों दुर्लक्ष कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये देखिए यहाँ पर भी किस तरह से कचरे का ढेला लगा हुआ है, किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। सोलापुर शहर की जनता पूछ रही है कि जहाँ जिले के आला अफसर जिलाधिकारी डॉक्टर मिलिंद शंभरकर का दफ्तर है, ऑफिस है, उसी के परिसर में ये कचरा है, गंदगी है, तो शहर की गंदगी किस तरह से होगी। लोक प्रधान न्यूज चैनल की ओर से महापालिका प्रशासन से, जिला प्रशासन से ये हम अपील करते हैं कि इस गंदगी को जल्द से जल्द साफ किया जाए। ये देखिए इस वक्त हम सोलापुर शहर का जो कांग्रेस भवन है, जिसे कांग्रेस पार्टी का कार्यालय कहते हैं, मुख्य कार्यालय, ये उसी के बाजू का कचरा है। और यहाँ पर देखिए गंदगी का साम्राज्य, और पास ही में, उसके करीब ही, उसके बाजू ही में जिलाधिकारी साहब का मकान है, जिलाधिकारी का घर है, और वहाँ की ये हाल है। किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, कचरा फैला हुआ है। हमारे कैमरामैन को थोड़ा मैं नजदीक जाने के लिए कहता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो है कचरा, गंदगी पूरे रास्ते पर बिखर आई है, सड़कों पर यह कचरा बिखर आ रहा है, जिसकी वजह से नागरिकों को, जनता को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। 365 दिन महापालिका का नागरिक, जनता पानी पट्टी भरते हैं और नागरिकों से महापालिका टैक्स वसूल करती है, लेकिन ये गंदगी को कौन साफ करेगा, क्या महापालिका की गाड़ी इस परिसर में नहीं घूमती, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाफ, कैमरामैन जमील शेख के साथ।
नॉन वेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। वेज मध्ये वेज दिवाणी हंडी, बटर पनीर, वेज कोल्हापुरी, मिक्स वेज, काजू करी, पालक पनीर, दाल तड़का यांसारखे भरपूर व्हरायटीज उपलब्ध। नॉनवेज मध्ये स्पेशल मटन बिर्याणी, स्पेशल दम बिर्याणी, स्पेशल एग बिर्याणी, स्पेशल पनीर बिर्याणी खवयांसाठी उपलब्ध। तसंच स्पेशल मटन मधील आयटम सुद्धा मिळतील। हंडी गोश्त, मटन दिवाणी हंडी, मटन डबल गोश्त, मटन रोगन गोश्त, मटन अंगारा, मटन मोगलाई, काश्मीरी मटन, मटन मसाला, रोहित स्पेशल मटन। चिकन आइटम्स मध्ये बटर चिकन, बोनलेस चिकन, हंडी चिकन, मसाला चिकन, मलाई चिकन मिळेल। तंदुरी मध्ये तंदुरी चिकन, तंदुरी लेग पीस ग्राहकांसाठी मिळेल। स्वच्छता, उत्तम सर्विस आणि जेवणासाठी खास सोय फक्त आणि फक्त हॉटेल रोहित मध्ये। चवीला टेस्ट, हॉटेल रोहित चे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी कार्यक्रम, विविध पार्टीचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील। ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय। आमचा पता हॉटेल रोहित, दादर रस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप, सोलापूर।